रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में ये रिमार्क दिया कि शायद दोबारा से एक दफ़ा यूट्यूब को पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया जाएगा। इससे पहले हम देख ही चुके हैं कि पबजी को इसलिए बैन कर दिया है कि शायद कि ये नौजवानों को ख़राब कर रही है, या फिर अब ये सोचा जा रहा है कि टिकटॉक को भी बैन कर दिया जाए क्योंकि ये अवाम में कोई फहाशी फैला रही है या वट एवर। अब ये बैनिंग कल्चर आई मीन मुझे लगता है ओवर द ईयर्स हमने इससे कुछ भी नहीं सीखा। अगर आप ये देखें तो जो लास्ट टाइम जब बैन हुआ था 4-5 सालों से YouTube के ऊपर, उसने कितना ज़्यादा पाकिस्तान को नुकसान दिया है, मतलब वर्ल्ड वाइड भी और अगर आप इवन रीजन वाइज भी देख लें। और अभी अल्लाह करके हमारे जो डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हैं वो एक दफ़ा से दोबारा अपने उन्होंने पाँव जमाना शुरू किए, थोड़ा सा एक ट्रेंड बनने लगा, कुछ थोड़ा सा मोनेटाइज भी हुए लोगों को, कुछ पैसा भी बनने लगा और ये एक इंडस्ट्री की शेप ले रहा था, एक दफ़ा से फिर इसके ऊपर बैन के बादल मंडला रहे हैं। अब ये डिजिटल इकोनॉमी, ये 21st सेंचुरी, ये सेंचुरी है डिजिटल इकोनॉमी की सेंचुरी है। अगर मैं इसको आपको थोड़े से नंबर देता हूँ रीजन के अंदर, हम ग्लोबल नहीं जाते, अगर आप बांग्लादेश को देख लें, जो GCI ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स है 2019, उनके सर्वे के मुताबिक बांग्लादेश इस वक्त दुनिया के उन टॉप 4 मुल्क में है ग्लोबली जो इंतहाई तेज़ी से डिजिटल इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं। उसके ये आप आपके नेबर इंडिया से देख लें, वैसे तो हम हर चीज़ में इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं, इंडिया एक ग्लोबल ब्रांड बन गया डिजिटल इकोनॉमी का, उनके एक प्रोग्रामर्स वगैरह उनको एक इंतहाई इज्जत की निगाह से यहाँ यूरोप के अंदर भी देखा जाता है क्योंकि उन्होंने एक अपनी डिजिटल इकोनॉमी की ब्रांडिंग ओवर द ईयर्स ऐसे की है। एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 2025 के अंदर इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी तकरीबन 6-7 करोड़ डायरेक्ट जॉब्स देगी इंडियंस को, इनडायरेक्ट आप छोड़ दें, ये डायरेक्ट जॉब्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब एक दुनिया चेंज हो गई, वक्त हालात चेंज हो गए हैं, डिजिटल इकोनॉमी एक फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप ये बात करूं पबजी को बैन करने की, पबजी अब ये जस्ट एक गेम है, बट गेमिंग इंडस्ट्री कितनी बड़ी है ये आप उसका अंदाज़ा इस बात से लगा लें कि 2025 तक गेमिंग इंडस्ट्री तकरीबन $300 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। इतनी बड़ी इंडस्ट्री है ग्लोबली और आप पाकिस्तान के अंदर उसको बैन करके कौन सा स्टोन एज दौर में दोबारा रहना चाहते हैं। फिर हम गिला करते हैं कि दुनिया हमारे मुल्क में आकर इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रही, गूगल इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं कर रहा, पेपॉल क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान में, नेटफ्लिक्स पाकिस्तान में क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट कर रहा। उसके पीछे मेन रीज़न यही है, अगर इन्वेस्टर को ये डर बैठ जाए कि इस मुल्क में तो सुबह फैसला बैन को होगा, शाम को दोबारा आएगा कि बैन उठ गया है, परसों फिर दोबारा बैन हो जाएगा, वो कभी भी अपना पैसा डुबोने के लिए इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएंगे। इट्स एज सिंपल एज डैट। अगर उसके अलावा अभी आप ये देख लें, अभी रिसेंटली गूगल के जो CEO है उसने अनाउंस किया है कि तकरीबन $10 बिलियन इन्वेस्ट होगा अगले 5-7 साल इंडिया में। तो मैं उसको थोड़ा डिटेलिंग देख रहा था कि वो किन किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट करेंगे। एक तो उन्होंने ये कहा है कि हम जो उनकी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज है और जो जो छोटी और दरमियाने लेवल की कंपनीज है उन पर थोड़ा और इन्वेस्ट करेंगे कि वो किस तरह से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े लेवल पर लेके जा सकते हैं। उसके अलावा ज़राअत में होगा, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में, हर चीज़ को डिजिटल किया जाएगा और उसका इनडायरेक्ट फ़ायदा किसको होगा, एक आम बंदे को वहाँ पर फ़ायदा होगा और ये फ़ायदे हम भी ले सकते थे। उसके अलावा अगर आप देख लें नेटफ्लिक्स को, नेटफ्लिक्स ने रिसेंटली ही इंडिया में कदम जमाए हैं, इस साल तकरीबन 2020 में 7 नेटफ्लिक्स ओरिजिनल निकलेंगे, 7 नेटफ्लिक्स। कितने बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस की इन्वेस्टमेंट हुई होगी, कितनी वहाँ लोकल जॉब्स क्रिएट हुई होंगी। और इधर एक हमारी तरफ देख लें, वो एक मूवी बनी है जिंदगी तमाशा, वो बेचारी खुद ही तमाशा होकर रह गई है। वो कभी सेंसर बोर्ड कहता है ये वाला सीन निकाल दो तब मूवी जाने देंगे, कभी मौलवी बेचारा खड़े होकर कहते थे नहीं ये नहीं चलने देंगे, कभी गवर्नमेंट कहती है, कभी कोई उसका हाई कोर्ट में स्टे ले लेता है। इस तरह की एक एनवायरनमेंट आप क्रिएट करेंगे कौन यह इन्वेस्टमेंट करने आएगा। और ये बात हम ना सिर्फ अपने दिल को एक सुकून देने के लिए हर वक्त ये करते हैं, इंडिया में तब कंपनीज आती हैं वहाँ आबादी बहुत ज़्यादा है, वो खुदा के बंदे तुम लोग भी तो कितने हो, 22-23 करोड़, 230 मिलियन, तुम लोगों की आबादी में तो दर्जन यूरोप के मुल्क निकल आए। ये सिर्फ हम अपने दिल को सुकून देते हैं, अंडरनीथ रीज़न यही है कि इंडिया के अंदर एक सिस्टम इदारे हैं, एक डिवेलप हो गया ओवर द टाइम पीरियड, वहाँ पे इन्वेस्टर ट्रस्ट के साथ आता है, मैं पैसा लगाऊंगा, मेरा पैसा सेव है, गवर्नमेंट की गारंटी है मुझे और मैं उसमें से कुछ आउटपुट या पैसा प्रॉफिट लेके ही निकलूंगा। हर चीज़ को बैन करने की हमारी तारीख बहुत पुरानी है। अगर आप अयूब के दौर से देखें, उसने कहा फातिमा जिना जो हैं तो वो गैर मुल्की अलाकार हैं, बैन कर दो उनको। उसके बाद आपके पास जनरल ज़ियात है, वो कहता है ये जो डेमोक्रेसी का निज़ाम है ये तो है ही कुफार का निज़ाम है, सियासी जमातों को, डेमोक्रेसी, सब कुछ बैन कर दो। उसके अलावा रिसेंटली आप देख लें जब टेररिज्म पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा थी, रहमान मलिक आपके क्या करते थे, अगर दहशतगर्दों ने बाइक यूज़ किया है डबल सवारी बैन कर दो, अगर उन्होंने फ़ोन के ज़रिए कम्युनिकेशन किया सिग्नल कर दो, फ़ोन बंद कर दो, बैन कर दो, जो चीज़ भी आए। आते आते अब बात यहाँ तक आ गई है
कि जो भी हम डिजिटल मीडिया देखते हैं जो कि हमारे एक मकासद के तहत नहीं इस्तेमाल हो सकता, सब के सब को बैन कर दो। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ब्यूरोक्रेसी के जो बाबे हैं ना, और ये जो हमारी रूलिंग एलीट है, इनको एक बात ये समझ नहीं होगी कि हम वो जनरेशन जो पिछली सदी की 80s और 90s किड्स हैं, ये वाली जनरेशन हमसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये बहुत सोचने समझने वाली और माइंडफुल किस्म की जनरेशन है। ये अपना अच्छा बुरा सब जानते हैं और ये बहुत जल्दी एक ना पूरी एक ग्लोबली एक्सपोज हुए हुए लोग हैं। आप इनको इस तरह एक कदगन लगा के नहीं रख सकते। आपको इनको एक आज़ादी राय आज़ार देना होगा, आपको इनकी ज़रूरियात को समझना होगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो सिस्टम है ना, ये लोगों के लिए बनता है, लोग सिस्टम के लिए नहीं बनते। आखिरकार आपको ऐसा सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसको आपको अमेंड या फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा लोगों की ज़रूरत के मुताबिक। आई होप यू गॉट द पॉइंट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।